खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ दूसरे दिन अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा दिन है, कल इसका आगाज हुआ है और ऐसे में भोपाल में बॉक्सिंग और इंदौर में बास्केटबॉल का मुकाबला आज देखने को मिलेगा। यूथ गेम्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बता दें आपको कि 13 दिनों तक मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चलेंगे। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कुल 27 खेल आयोजित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में खेलो के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज कल हुआ है, जिसमें भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही। तो बता दें आपको कि आज दूसरा दिन है, अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में बॉक्सिंग का मुकाबला देखने को मिलेगा तो इंदौर में बास्केटबॉल का महामुकाबला आज देखने को मिलेगा। 13 दिनों तक मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कुल 27 अलग अलग तरह के खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 5 खेल पहली बार आयोजित हो रहे हैं। तो भोपाल में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, इंदौर में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे। इधर जबलपुर में तीरंदाजी और खो खो में खिलाड़ी अपना जोहर दिखाएंगे। तो देखिए किन शहरों में कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के बाद ग्वालियर की तस्वीरें, बैडमिंटन, हॉकी, जिमनास्टिक ये खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही इंदौर में बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी, इसके अलावा जबलपुर में तीरंदाजी, खो खो, तलवारबाजी, रोड साइकिलिंग का रोमांच देखने को मिलेगा। बालाघाट में भी महिला फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है और इसके तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 से 5 फरवरी तक मुकाबला करेंगे। चलिए भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है और एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सीधे आपको लिए चलते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ स्टेडियम से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कल से पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ है मध्य प्रदेश में, खेलों का यह महाकुंभ, तस्वीरें क्या कुछ है आपके पास? चलिए एक बार फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में खेलों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है और अलग अलग रोमांच खेलों का देखने को मिलेगा। 27 तरह के खेल प्रदेश के अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। 13 दिन तक ये खेलों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, जिसमें 27 तरह के अलग अलग खेल आयोजित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 3 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो 13 दिनों तक मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चलेंगे, कुल 27 खेल आयोजित किए जाएंगे, 9 शहर मध्य प्रदेश के, 23 गेम वेन्यू। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम आपको ले चलते हैं। यहां से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, तस्वीरें हम तक पहुंचाइए, क्या शुरुआत हो चुकी है आज पहले दिन की और कितना उत्साह खिलाड़ियों में नजर आ रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल जय, यूथ गेम्स का महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो पंच हैं वो लगाए जा रहे हैं। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की जा रही है, कुछ देर बाद ही टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। खासतौर से बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से तमाम जो बच्चे हैं अंडर 19 के, वो यूथ गेम्स में हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खासतौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और खासतौर से यूथ गेम्स 2022 को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से देश में युवाओं को मौका दिया है कि वो अपने खेल के माध्यम से अपनी धरती की पहचान देश दुनिया में बना सके, और यही कारण है कि बढ़ चढ़कर जो बच्चे हैं वो भी भाग ले रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से वो इन गेम्स को देखते हैं और आखिर इनका क्या सपना है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई एक आइडियल पर्सन होता है, उनसे बात भी करेंगे। यूथ गेम्स एक मौका है युवाओं को इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए। आप लोगों को मौका मिला है, कितनी उम्मीद है और आप कहां से आए, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम मेहरुनिसा, मैं हम आंध्र प्रदेश से है, 52 केजी खेल रही हूं। और सर, इधर खेलने मौका मिलना तो बड़ी नसीब की बात है सर, और इसमें मौका मिलने से हम बहुत खुश हो रहे हैं सर, और इस मौका को हम अच्छा यूटिलाइज करके हमारे माँ बाप को रोशन माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, बॉक्सिंग में आपका आइडल कौन है, कैसा बॉक्सिंग करना चाहते हो? मेरा बॉक्सिंग आइडल तो निखत जरीन है सर, जैसे भी उनकी वेट कैटेगरी में खेल रही हूँ वो तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है सर, उनके पापा भी बहुत अच्छा एंकरेज करते हैं सर हमें।
बिल्कुल, ये आंध्र प्रदेश से आई हैं और निखत जरीन इनकी आइडियल है, वो चाहती है कि वैसे ही बॉक्सिंग में नाम कमाए। आप कहाँ से आए हैं और आप कितनी उम्मीद करते हैं इस टूर्नामेंट से कि आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा? मेरा नाम भव्या, आई मीन 5760 वेट कैटेगरी, आई एम प्लेइंग इन 5760, सो आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट सेलेक्टेड फॉर खेलो इंडिया, सो होप फॉर द बेस्ट। Who's your ideal person? My idol is Mary Kom. She inspired me a lot. I used to see her videos. Each and every day I used to watch her videos and I got inspired by seeing her. तो बिल्कुल जय, देखा ये अलग अलग राज्यों से आए हैं और खास तौर से लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि देश दुनिया में उनका नाम हो, उनके माँ बाप का नाम हो। शायद यही वजह है कि रिंग में अपना पंच आजमाया जा रहा है। आप देख सकते हैं खास तौर से निखत जरीन और मैरी कॉम के यहाँ पर पोस्टर भी लगे हैं, क्योंकि खास तौर से जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने देश दुनिया में पहचान कमाई है, नाम कमाई, शायद यही वजह है कि उसके बाद से लगातार जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, बेटियां हैं, उनमें बॉक्सिंग को लेकर क्रेज बढ़ा है। इसके पहले हमने देखा है कि जब निखत जरीन से भी बात की थी तो किस तरीके से एक परिवार का सपोर्ट नहीं था कि यदि आप बॉक्सिंग करोगे तो नाक कान चोटिल हो जाएंगे, ऐसे में शादी कौन करेगा। लेकिन जब वो चैंपियन बनी तो उसके बाद देखा कैसे देश दुनिया ने उनको हाथों हाथ लिया और सर पर बिठाया, सर पर ताज बनाकर बिठाया। ऐसा यही कारण है कि यहाँ पर बेटियां भी पंच आजमाते हुए नजर आ रही हैं। और आज 5 गेम्स होना है, 4 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में करीब 35 से 36 इवेंट होंगे और उसके बाद जो फाइनल मैच होगा, आज प्री क्वार्टर मैच है और इसमें सिलेक्ट होने के बाद बच्चे धीरे धीरे अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज फिलहाल तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मध्यप्रदेश में देखिए तमाम खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से जो पहुंचे हैं उनमें उत्साह भी नजर आ रहा है और मध्यप्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी और पंचकुला में आयोजित हो चुके हैं और ये पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आगाज हुआ है मध्य प्रदेश में कल हो चुका है। आज से खेलों की शुरुआत तमाम शहरों में होने जा रही है।